नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर, आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल विद वीवी मैक्रो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग की, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। बेसिकली ये हमारे लाइव क्लासेस की वीडियोज है। सुबह के 6 बजे का बैच है, इसमें 3 लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मेरे साथ जूम ऐप से पढ़ रहे हैं और अपने डाउट्स हर चीज मेरे साथ क्लियर कर रहे हैं। तो सो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आवाज जरूर नहीं आया सर। कीजिएगा। तो तेजेंद्र जी, जाहिर जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था डेटा टाइप्स, मतलब कि हमने आपको वेरिएबल बताया था, हम आपको आज बताएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन विथ वेरिएबल्स। तो चलिए, हम वेरिएबल्स के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होता है आज इस चीजों पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है? और जो ठीक भी है सर। प्रॉब्लम होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू। तो हम डेवलपर टैब के जरिए विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इंसर्ट मोडोज। चलिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम आपके साथ करते हैं, और इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम बेसिकली फंक्शन के जरिए सॉल्व करेंगे। और दोनों चीजें इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि फंक्शन से क्या बेनिफिट है और फंक्शन से क्या बेनिफिट है और आपका इससे क्या बेनिफिट है, एक्सेल से क्या बेनिफिट है। तो बेसिकली पहले हम बात करते हैं मैक्रोज की। यहाँ पे हम क्वार्टर, यहाँ पे हम देते हैं क्वार्टर वन और यहाँ देते हैं क्वार्टर टू, और मुझे इस पे ग्रोथ निकालना है, राइट सर? और मेरे पास ऐसे मान लीजिए कई सारे डेटा हो सकते हैं, तो मुझे सबका निकालना। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक वेरिएबल लेंगे कि डिम आर। अभी मुझे यहाँ एक नेम, मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए, तो मैं आर के साथ कॉमा, मान लीजिए क्वार्टर वन ना, क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू एज ए लॉन्ग ले लिया, और फिर डिम। अभी सारे मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जिसपे कैलकुलेशन हो, मतलब कि वो हमें डबल का चाहिए, तो हम नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं या साइड में भी लिख सकते हैं, रिजल्ट आर एज ए लॉन्ग डबल। मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को लोड कर रहे हैं कि क्वार्टर वन इक्वल टू रेंज ए टू डॉट वैल्यू एंड क्वार्टर टू इक्वल टू रेंज बी टू डॉट वैल्यू, और फिर आर इक्वल टू हम करेंगे क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन, और इसको बोर्ड मास को मेथड को पूरा कर। और फिर यहां पे हम देंगे रेंज सी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू ऑफ,
तो जाहिद जी, तेजिंदर जी, कोई डाउट इसमें? ठीक है सर, एक ही ले रहे थे। किसी को कोई डाउट? अब ये लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो हुआ ये सिर्फ एक सिस्टम का हुआ है, मतलब एक सेल का हुआ है, मतलब कि यहां आप देखेंगे तो सिर्फ इसमें सिर्फ एक सेल का हुआ। अगर मैं इसको रन किया तो सिर्फ एक सेल का ही परफॉर्मेंस देगा, मुझे बाकियों नहीं चाहिए। तो कैलकुलेशन हमारी सेम रहेगी, बट हमें यहाँ A2 के जगह पे A3 A4 करना पड़ेगा, तो ये बार बार करना पड़ेगा। इसी चीज के लिए हम लगाते हैं लूप। हम देंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 2 से कहां तक चले, हमने बोल दिया 6 तक, 6, और पूरी कैलकुलेशन को हमने रख दिया नेक्स्ट आई, मतलब कि लूप के अंदर। तो ए क्या होगा, हमने फोर को बोला कि कोई 2 से 6 तक चले, तो एक बार चलेगा, ए टू की वैल्यू को लोड करेगा, कैलकुलेट करेगा, सी टू पे अपडेट कर देगा। और इसने एक बार चल चुका है, इसकी इंफॉर्मेशन आई पे रखेगा। अगर मैं इसको एवलेट करूं, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एफेट, हाँ एफेट करूं, तो आपको यहां से स्टेप इन्फो पता चलेगा। यहाँ देखिए आई इक्वल टू 2 है, समझ में आया सर? साहिद जी, रुपेश रुपेश जी, तो अब जैसे ही अब ये पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट आई हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बार और स्टेप इनफो करूं, इससे वैल्यू ले लिया, हाँ कैलकुलेट किया और वापस इसने प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट आई चेक करेगा कि आई का जो ऊपर जो है वो क्या हो 6 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो लूप को खत्म करके बाहर आ जाएगा, नहीं ज्यादा है तो स्टेप इनको क्या करेगा, इसके क्या करेगा, वापस जाएगा। इस बार आई का मान यहाँ देखिए आई इक्वल टू 3 है। तो मैंने मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे क्या ए टू आ चाहिए, ए टू के बाद ए थ्री चाहिए, तो जो चाहिए वो आई पे होता है, तो हमने इसको कॉनकेटेनेट विद आई कर दिया, कॉनकेटेनेट विद आई। अब हर बार इसका अपना वैल्यू चेंज होता रहेगा। अब मैं इसको रन करता हूं, आप देखेंगे कि एक्सेल सीट पे सरा हो। ठीक है जाहिद जी, ठीक है रमेश जी एंड तेजिंदर जी, एनी डाउट्स? ठीक अब इसी चीज को अब मैं आपके साथ यूज करने वाला हूं फंक्शंस में। अब इसी का मैं अगर फॉर्मूला बनाता तो कैसे बनाता, तो हम हेलो यहां। हेलो, सर, मैं कह रहा था जैसे मान लो अगर मुझे फोर आई को अगर वो सर्व करना हो डायनेमिक, तो मतलब उसकी रेंज तो हाँ ये मैं उस बता उसमें रहा हूँ 6, हाँ डैन 2 से, तो हमारा स्टार्ट इसलिए 2 इसलिए किया क्योंकि हमारा 2 से हाँ स्टार्ट है सेल, इसलिए यस सर ऐसा नहीं और वन सर से ना करता फिर मुझे -1 करना पड़ता, इसलिए प्लस 1 करना पड़ता इसलिए। और तो दूसरा अगर ये 6 जो यस आपको सर दिया हुआ है ना, इसको इसी को डायनेमिक ठीक करना सर चाहते हैं ना आप, यस सर हाँ तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि रेंज रेंज A65000 डॉट एंड एक्सेल इज आप डॉट, ठीक है सर, तो डायनेमिक हो गया। अब इसी चीज को फंक्शन के जरिए करता हूं, तो फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला। तो यहां पे हम हमारा आर नाम का मैक्रो था, तो यहां पे मैं जी आर नाम का फॉर्मूला बनाया,
और इसमें इनपुट देने होते हैं, क्यों? कोई भी फॉर्मूला आप लगाते हो तो यहाँ पे इसके साइंटिक्स होते हैं ना सर, से इफ ही लगाया तो इफ के यहाँ पे तीन इनपुट्स है, ऐसे यहाँ पे आपको इनपुट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ये जो यहाँ पे कि डिम डिम नहीं, इसमें डिम नहीं देना होता, माफ कीजिएगा, कि Q1 या फिर यहाँ पे ओल्ड फर्स्ट वैल्यू एज ए लॉ कॉमा सेकेंड वैल्यू एज ए लॉ, ठीक है, सिर्फ इनपुट करना होता है। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और फॉर्मूला लगाते समय मैंने दे दिया जी आर के फॉर्मूला, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया कॉमा इसको सिलेक्ट किया, तो ए टू की वैल्यू एस फर्स्ट वैल्यू पे चली गई, एफ बी पे चली गई, और बी टू की वैल्यू जो है वो एस बी मतलब कि सेकेंड वैल्यू पे स्टोर होगी। अब मैं यहां पे करता हूं डिम आर एज ए डबल और आर इक्वल टू एस वी सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाई फर्स्ट वैल्यू, और इसको बूट मास मेथड में लेते हैं। और तीसरा चरण जी आर इक्वल टू आर, देखिए फॉर्मूला का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है उस फॉर्मूला का तीन जब भी बनाते हैं तो उसका तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है डिक्लेरेशन, आपने फॉर्मूला का नाम और फॉर्मूले के इनपुट्स को डिक्लेयर किया। दूसरा पार्ट है कैलकुलेशन, फॉर्मूले को कैलकुलेट करके एक फाइनल रिजल्ट किसी वेरिएबल पे स्टोर कर दिया। और सेकेंड हमारे पास आता है वो आता है असाइनमेंट, जो फॉर्मूले के नाम है उस नाम पे जहां पे फाइनल वैल्यू स्टोर है उसको असाइन कर, ताकि रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आपको जी आर ही शो करेगा, तो जब तक मैं जी आर इक्वल टू अपना फाइनल रिजल्ट नहीं देता हूं तब तक वैल्यू हमारी शो नहीं होगी, राइट। अब यहां पे देखिए आपके सामने वैल्यू शो हो गए, अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो रिजल्ट हो जाए आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि मैंने कुछ वैल्यू को चेंज कर दिया ना सर, जी सर, तो अब मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, बट हमारा मैक्रो अपडेट नहीं हो रहा है। मैक्रो को अपडेट करने के लिए मुझे वापस अपने मैक्रो को रन करना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है हमारा फंक्शंस और किसमें, मैक्रो। लेकिन बेनिफिट है तो एक लॉस भी है, जैसे कि आप फंक्शन के जरिए कॉपी पेस्ट नहीं करा सकते हो, किसी फाइल को ओपन नहीं करा सकते हो ना, फंक्शन तो कैलकुलेशन के लिए होता है। ओके, तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है इसके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम अभी फिलहाल जो है फंक्शन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि फंक्शन का टॉपिक हमारा आगे का है। हम बैक को लेके ही चलते हैं। अब चलिए ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल पे हम बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, मान लीजिए तो ये हो गया, हाँ मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे रेट है और यहाँ पे टाइम है, और मुझे यहाँ अमाउंट चाहिए, मतलब कि 50,000 का हमारा रेट ऑफ रेट क्या बोलते हैं प्रिंसिपल है, और हमारा जो है 8% इंटरेस्ट रेट है,
और 3 साल का टाइम। ठीक है सर, अब चलिए इसका हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली एफबी फॉर्मूला, इसमें एफबी फॉर्मूला है, उसे जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से करना चाहता हूं। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 + r डिवाइड बाई n एंड पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई n। हमने जो पढ़ा हुआ है, आप लोग कोई और पढ़े होंगे तो बात अलग है, लेकिन हमने यही पढ़ा था। तो चलिए इसके लिए हम अप्रोच बनाते हैं। लिखते हैं सब्जेक्ट अमाउंट डिम पी एज ए लॉन्ग रेट है ना, आर एज डबल, क्योंकि हम ये आपका परसेंटेज जो है डेसिमल में होता है, इसका डबल लेना होगा। और टाइम एज ए, अब इसमें इंटीजर भी कर सकते हैं, लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। और इसमें हमें अमाउंट ए रिजल्ट फाइनल इस पे आएगा, तो ये हमारा डबल होगा, क्योंकि जो रिजल्ट होगा उसमें डेसिमल प्लेसेस भी आने की चांसेस हैं। तो P इक्वल टू हम वैल्यू लोड करते हैं 50,000, मतलब A टू B टू C टू था। P इक्वल टू इक्वल टू रेंज, और रेंज में हमने दे दिया ए टू, डॉट वैल्यू, और हम यहां पे आर देते हैं, आर इक्वल टू रेंज सी टू डॉट वैल्यू, और यहां पे T इक्वल टू रेंज डॉट वैल्यू, हमें लोड कर दिया। फिर हम करते हैं कैलकुलेशन, ए इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाई 1 + r डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन, ये कैलकुलेशन है हमारा। लेकिन इसमें हमें बोर्ड मास मेथड को फॉलो करना होगा, तो हमने ब्रैकेट में इसको ले लिया।
और फिर वापस हमने इसको ब्रैकेट में लिया, और फिर इसको ब्रैकेट में लिया ताकि ठीक है सर। हेलो हेलो सर, ये कैसे पता करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना हमें? हर बहुत दो मार्क्स फेसों को बता रहे हो। अलग करना है ना सर, जैसे कि आप पहले क्या होगा आर डिवाइड बाई एन होगा तो इसके हमने रख दिया, फिर वन प्लस आर डिवाइड बाई वन तो फिर इसको हमने ले लिया ब्रैकेट में, ठीक है, फिर टी मल्टीप्लाई बाई वन ले लिया ब्रैकेट में, टी मल्टीप्लाई बाई वन इसको पावर करना है तो इस सबको ब्रैकेट में रख लिया। अब ब्रैकेट में लिखो ही, वैसे कंफ्यूजन है तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं पी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में वन प्लस वापस ब्रैकेट में आर डिवाइड बाय एन मतलब कि 12, ठीक है, पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय वन, समझ गए, आया था ना सर? सर अब मैं यहाँ पे पहले एन, कंट्रोल में, हाँ एन है हमारा तो इस यहाँ पे हम एन इक्वल टू 12 कर देता हूँ, फाइनल रिजल्ट होगा हमारा रेंज ए बी सी ए, सॉरी देखिए आप गलती हो गया था ना, यहाँ पे डी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ बी टू है, यहाँ पे सी टू होगा, ठीक है सर। इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट? ओके रन कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास आपके सामने जो ब्रैकेट्स आपके पास है, ये ब्रैकेट्स अपने हिसाब से कैलकुलेशन करते समय आपको पता चल जाएगा, ये बोर्ड मास मेथड है, ये तो मैथमेटिक्स में जैसे आप करते हैं तो उस तरह से। बहुत टाइम हो गया इसलिए। तो हाँ तो सही है, बहुत टाइम हो गया। और सर मैच तो पहले से इतना हुआ है कमजोर है सर। ओके चलिए अगला एग्जांपल हमारे पास ये है कि मैं एमआरपी निकालना चाहता हूँ कि किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 80 रुपीज है, मुझे इसका एमआरपी निकालना है। तो एमआरपी का रूल इज कहता है कि मैन्युफैक्चरर कहता है कि 5% मिनिमम तो मैं रखूंगा, तो 80 रुपए का 5% ऐड करके वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैं 10% रखूंगा, तो उसकी जो खरीद पड़ती है मतलब कि 80 रुपए की 5% प्लस उसका 10% निकाल के डिस्ट्रीब्यूटर को दे, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को दे देता है। होलसेलर क्या करता है, उसकी जो खरीद पड़ती है उस खरीद की 15% ऐड करके रिटेलर को दे देता है, रिटेलर क्या करता है 20% ऐड करता है और कस्टमर को दे देता है, कस्टमर की प्राइस एमआरपी हुई। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाले दिखाना चाहता हूं मैं, इसलिए दिया मैंने कि डिम कॉस्ट कॉमा राइट, अब कॉस्ट इक्वल टू रेंज मैंने कर दिया ए टू डॉट वैल्यू, राइट, अब मुझे आर इक्वल टू कॉस्ट
प्लाई वाई। अब यहाँ पे मुझे 5% निकालना है, तो मैं 5% ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। जनरली एक्सेल पे यही करते हैं ना कि अगर 5% निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 5% कर देता हूँ, बट यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पे हमें करना होगा 0.05, मतलब 100 से डिवाइड कर दो, या फिर परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। प्लस कॉस्ट, और यहाँ पे भी जैसे हमने बताया था कि बोर्ड मास बेहतर होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो हमने इसको ब्रैकेट किया और यहाँ रख दिया। ये तो मैन्युफैक्चरर कॉस्ट निकला। अब मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ कि R इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय 0.10 प्लस समझाया जाए जी। अब यहां पे हम सिर्फ परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि हमने यहां पे कैलकुलेट किया तो फाइनल रिजल्ट हमारे आर पे हुआ। तो यहां पे मुझे अब जो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 5% जो ऐड हुआ है उस पर 10% निकालना है ना, तो हमने यहाँ पे आर दे दिया। तो आर अपने आप को यहाँ क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ भी 50% कैलकुलेट करके अपडेट कर रहा है, यहाँ भी अपडेट कर रहा है। तो जो लास्ट वैल्यू सेम होगी, सेम होगी आर के ऊपर, वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा जो कि मैं बाहर आउट कर दूंगा कि रेंज B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आर। ओके, अब मैं इसको प्ले करता हूं, आप देखेंगे बाहर आपके सामने 27 रुपए का और पैसे है स्टोर। अब दूसरी चीज है, मैं नहीं चाहता डेसिमल्स, मैं राउंड फिगर में चाहता। तो यहां पे अगर मैं राउंड, यहाँ पे मैं राउंड का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, आर एन डी राउंड, और यहाँ पे जीरो कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका राउंडेड हो गया। या फिर हमारे पास एक और तरीका है कि मैं यहाँ पे आर टी एज ए लॉन्ग कर दूं, और फिर यहाँ पे मैं आर डी इक्वल टू आर कर। आप सोचेंगे कि सर मैंने एक नया वेरिएबल क्यों लिया, मैं इस आर को ही डबल के जगह पे हम वेरिएबल ए कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, और कैलकुलेशन के बाद इस पे रीकैलकुलेशन हो रहा है। तो अगर मैं लॉन्ग कर दूंगा तो इस पे जो है वेरिएबल ये राउंड पहस हर किसी को राउंड कर देगा, जिससे आपके रिजल्ट में कुछ फर्क हो सकता है। समझ में आया? जैसे आपका 80 रुपए के बाद 5% निकला, मान लीजिए 7 रुपए, 87 रुपए 5% का, फिर मुझे 10% निकालना है। अगर मैं राउंड कर दूंगा 87 को 88 कर देगा। तो हर हर स्टेप में जो है कुछ पॉइंट्स की ज्यादा की वैल्यू को ये कर देगा ना सर, इसलिए। क्लियर है जी? जी सर। अब ये तो मैंने आपको 3-4 कैलकुलेशन अपने तरफ से बताई, अब आप लोग क्या करें इसके ऊपर, मुझे कम से कम 5 कैलकुलेशन करके दीजिए मैथमेटिक्स में। आप वेरिएबल्स को यूज करें और उसकी कैलकुलेशन करें, कोई भी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से उठा लो, चाहे आपके ऑफिस में होते होंगे कैलकुलेशंस, इंसेंटिव के, कमीशंस के, बहुत सारे होंगे ना कैलकुलेशंस। ऐसे कैलकुलेशन को 2-3 फॉर्मूले में और 2-3 आप इसमें माइक्रोज में बनाकर मुझे भेजिए। फिर अगली कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स के बारे में। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।